पापा पापा मम्मी कहो ना कहो पापा, वो मुझे वे प्रोटीन खरीदना था। अरे वे प्रोटीन जैसे दूध होता है, दूध से जब हमने दूध पनीर बनता है तो उससे जो पानी निकल जाता है, हाँ हाँ वही वही, तो उससे बनता है वो वे प्रोटीन, और वो प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। और आप लोग कह रहे थे ना कि मैं अभी बहुत पतला हो गया हूँ, है ना, तो उससे पी के बहुत ज़्यादा, मतलब शुरुआत करने जा रहा हूँ ना, एक्सरसाइज करूँगा अच्छा खासा और वे प्रोटीन लूँगा तो अच्छी खासी बॉडी बनेगी, तो प्लीज़ प्लीज़ दिलवा दिए। क्या आप भी कुछ ऐसे ही विविधा में हो? हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या आप अगर बिगनर स्टेज पे हो तो क्या आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए या बेसिकली आपको सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए, आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए कि नहीं, रिलाय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर आज वीडियो में बात होगी। टेक योर पॉपकॉर्न इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा आपके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा इस टॉपिक को लेके कि क्या मैं जब अगर बिगनर हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी फिटनेस जर्नी, तो मुझे क्या वे प्रोटीन और सप्लीमेंट्स जो आते हैं मार्केट के अंदर हैं उन पे उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आजकल कुछ ज़्यादा ही इसका बन गया है कि हाँ यार, तुम्हें अगर बॉडी बनानी है तो सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, ये सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, ये प्रोटीन लेना पड़ेगा, इस कंपनी, इस फलाना कंपनी का प्रोटीन लेना पड़ेगा, ये क्रिएटिन पीना पड़ेगा, एंड दिस एंड दैट, बहुत चीज़ें लेनी पड़ेंगी तभी जाके आपकी एक लेवल पे बॉडी बनेगी। और यही चीज़ मैं भी सोचता था जब मैं एक बिगनर लेवल पे था। ये समझ में आ गया है कि किस तरीके से ये स्किल पैदा हो गई है मेरे अंदर कि क्या डाइट और एक्सरसाइज ये दोनों रोल प्ले करती हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी फिटनेस जर्नी में, ये चीज़ की समझ आ गई है। तो ये जो पहला चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपको अपनी, हाँ पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ मैं पहले ही कि क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि कोई ज़रूरत नहीं है। यस, यू हर्ड इट राइट, कोई ज़रूरत नहीं है शुरुआत में इतना पैसा डालने की, इतना पैसा अपने मम्मी पापा के खर्च करने की या अपना खर्च करने की कि सप्लीमेंट्स के पीछे भागना है। सप्लीमेंट्स तब आते हैं जब आपके पास ये चीज़ की समझ होती है कि हाँ यार, डाइट मेरी है, एक्सरसाइज मेरी है, ये रेशियो अगर अच्छा चल रहा है तब जाके सप्लीमेंट आता है। मेरा रेशियो, मैं भी ये चीज़ ये सोचता था कि यार सप्लीमेंट तो लेना ही पड़ेगा यार, ये तो ज़रूरी है, सब लेते हैं तो हम भी लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं ले सकते, आप ज़रूर ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि प्रेशर में आके या आप ये देख के कि दूसरा ले रहा है तो मुझे भी लेना है, फलाना लोग ले रहे हैं तो मुझे भी लेना है, वो ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज को फोकस रख के कोई चीज़ को अचीव करने लगोगे ना, तो 110% वो चीज़ एक पॉइंट पे आके अचीव्ड होगी। तो अब बात आती है कि क्या यार सप्लीमेंट्स लेना नहीं, कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है तो क्या नहीं लेना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ही हैम्पर मत करो अपने आप को कि यार मुझे लेना ही लेना है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को, और शुरुआत के दौर के अंदर आपकी बॉडी वो प्रोटीन चाहती ही नहीं है, वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि शुरुआती दौर में आपकी बॉडी ने कुछ ऐसा एक्सेसिव लोड प्रीवियसली नहीं किया है जो आप इस समय उसको देने जा रहे हो, तो उसको रिकवरी करने के लिए उतना प्रोटीन, उतना रिक्वायरमेंट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो प्लीज़ अपनी बॉडी के हिसाब से टैकल करना चालू करिए, ये स्किल को ढूंढिए कि किस तरीके से कैलोरी को कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद चीज़ें बढ़ती हैं कि अपनी डाइट को कैसे रेगुलेट करना है, अपने एक्सरसाइज को कैसे रेगुलेट करना है, सही तरीके से एक्सरसाइज, सही तरीके से डाइट लेनी है, तब जाके सप्लीमेंट कहीं आते हैं।
तो पहले से सप्लीमेंट के पीछे भागना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप चाहते हो कि नहीं मुझे शुरुआत से ही चाहिए, देन इट्स ऑल योर कॉल। बट हैम्पर करना अपने आप को कि मुझे तो लेना ही पड़ेगा, सब ले रहे हैं तो मुझे भी लेना पड़ेगा, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप बिना उसके भी एक अच्छी खासी फिजिक अचीव कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ देरी क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देना है, कंसिस्टेंसी देनी है, डेडिकेशन देना है और पेशेंस रखना है। ये तीन चीज़ें अगर होंगी आपके पास, ये तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अगर ये तीन चीज़ें आपके पास होंगी 110% रिजल्ट आएगा। अब बात आती है कि सार्थक भाई ये चीज़ें तो बता दी कि यार बिगनर्स को अभी ज़्यादा एफोर्डेबल चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, ज़्यादा एक्सेसिव अपना लोड सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं डालना चाहिए। तो क्या वे प्रोटीन भी ऐसे ही है, वे प्रोटीन भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है? तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, वे प्रोटीन सप्लीमेंट भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट उतनी होगी तभी तो आप लेना चाहोगे। आप अपनी डाइट से जब वो चीज़ की रिक्वायरमेंट, अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, देन वाई टू वेस्ट योर मनी? और अब दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि तो लेना स्टार्ट कब से किया जाए, एक साल में वेट किया जाए, दो महीने वेट किया जाए, सिक्स मंथ्स वेट किया जाए, या दो साल वेट किया जाए, कितने साल तक वेट किया जाए? तो इसका एक लेमन लैंग्वेज में आंसर ये है कि आपको तब तक वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने भी यही चीज़ एक्सपीरियंस करी थी। मैंने तब तक वेट करा जब तक मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ, मेरी जो एक्सरसाइज है उसकी स्किल स्ट्रांग हो गई थोड़ी बहुत, कि हाँ मैं बेंच अगर मार रहा हूँ तो मेरा फॉर्म बिल्कुल सही है, मेरा टेम्पो बिल्कुल सही है, मुझे ये चीज़ की स्किल आ गई, एंड दूसरी तरफ डाइट की स्किल मेरे पास आ गई। तो जब ये दो स्किलें मेरे पास आ गई तब मैंने सप्लीमेंट के ऊपर स्विच करा। वो भी ये नहीं कि यार हर एक सप्लीमेंट के ऊपर मैं स्विच कर रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ना है, पेशेंस रख के धीरे धीरे एक एक स्टेप लिया है मैंने और वही लेते हुए जा रहा हूँ। यही चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी, कोई भी इसमें शॉर्टकट नहीं है। कोई भी चीज़ में लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ आप करोगे तो इसमें शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। तो शॉर्टकट नहीं होगा तभी आप ये चीज़ें समझ पाओगे कि यह शॉर्टकट तो नहीं है। अपने माइंड को क्लियर रखना कि यह शॉर्टकट तो नहीं है और मुझे लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है। लॉन्ग टर्म गेम खेलेंगे 100% रिजल्ट आएगा पेशेंस के साथ। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन हाँ, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक एंड शेयर टू योर लव वंस। और इस वीडियो से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा था मैं कि यार ये जो दिमाग के अंदर सबसे ज़्यादा चल रहा है लोगों के, कि मैंने भी अभी जिम में ही बहुत लोगों ने मुझसे भी पूछा है कि क्या आप सप्लीमेंट्स लूँ, है ना, लेना ज़रूरी है, मैं क्या लेना ही पड़ेगा, ये चीज़ों को भी मेरे दोस्त लोग हैं जिम के अंदर, वो भी ये चीज़ मुझसे पूछते रहते हैं। तो वो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन गो फॉर इट, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप बिगनर स्टेज पे हो अभी तो प्लीज़ कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपनी डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से अचीव कर सकते हो एक बढ़िया सी फिजिक। पेशेंस रखना और कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। तो इसी के साथ आप सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दो, इतनी बढ़िया वीडियो दी है तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, राइट हियर इज़ द हैंडल, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे भी हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड डेली पोस्ट मैं डालता रहता हूँ, वहाँ से भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस मिलते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है और आखिरी में बस मैं इतना ही कहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पीस। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन हाँ, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक एंड शेयर टू योर लव वंस। और इस वीडियो से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा था मैं कि यार ये जो दिमाग के अंदर सबसे ज़्यादा चल रहा है लोगों के, कि मैंने भी अभी जिम में ही बहुत लोगों ने मुझसे भी पूछा है कि क्या आप सप्लीमेंट्स लूँ, है ना, लेना ज़रूरी है, वो भी ये चीज़ मुझसे पूछते रहते हैं। तो वो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन गो फॉर इट, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप बिगनर स्टेज पे हो अभी तो प्लीज़ कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपनी डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से अचीव कर सकते हो एक बढ़िया सी फिजिक। पेशेंस रखना और कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन।
तो इसी के साथ आप सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दो, इतनी बढ़िया वीडियो दी है तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, राइट हियर इज द हैंडल, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे भी हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड डेली पोस्ट मैं डालता रहता हूँ, वहाँ से भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस मिलते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है और आखिरी में बस मैं इतना ही कहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिन्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पीस।